जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या आए और कोई हल ना मिलता हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए समय नहीं मिलता। भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ शिवलिंग कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विशहरा, श्यामली बारी, गौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिवजी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त।